बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा चर्चा रहता है मेरे भाई चुनाव के समय में बिहार में ये, ठीक है कि अगर आप बिहार में बाहर चाहते हैं तो आपको नीतीश कुमार को लाना पड़ेगा और वहीं बाहर दिला सकते हैं। सही बात है मेरे भाई, नीतीश बाबू कहा जाता है बड़े प्यार से नीतीश जी को यहाँ पे हमारे बिहार में, और बाबू हैं भी। लेकिन बात यहाँ पर यह होती है कि जिस तरीके से बिहार में जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो 10वीं का पेपर हो, 12वीं का पेपर हो, ग्रेजुएशन का पेपर हो, या फिर बिहार में कोई भी सरकारी भर्ती हो, क्या वो सही तरीके से हो रहा है, एक उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर पूरे भारत की नजर होती है, पूरे के पूरे स्टेट जो है यहाँ पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर बिहार एक ऐसा राज्य बन जाता है जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा IAS IPS तक भी दिए हुए हैं, और यहीं के लोग पढ़कर मेरे भाई UPSC में प्रथम स्थान तक भी प्राप्त करते हैं, और फिर जब वही लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो मेरे भाई जाकर फिर सारा धंधा, सारा मेरे भाई जो घोटाला है वो करना शुरू कर देते हैं। आज बात है मेरे भाई बिहार में एक छोटा सा पेपर हुआ बिहार के कांस्टेबल का, और अभी 3 दिन पहले मैंने YouTube के एक छोटे से वीडियो में कहा था कि बिहार में लगभग हर पेपर जो है वो लीक हो रहा होता है और एग्जाम होने के पहले उसके आंसर की आ जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज मेरे भाई कंकड़बाग करके एक जगह यहाँ पर है, तो वहां पर मेरे भाई कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया गया नकल करते वक्त, और उनके पास पूरा प्रॉपर तरीके से पर्चा था। मैं आपको भी दिखाऊंगा, मेरे लेफ्ट में आपको ये वीडियो देखिए यहाँ पे, ये पूरा मेरे भाई पूरा आंसर की ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ है, कैसे कैसे वहां पर बच्चे आंसर देने गए थे, और सेकंड शिफ्ट में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी फिलहाल इतनी पुष्टि हुई थी कि सेकंड शिफ्ट में गिरफ्तारी हुई है और सेकंड शिफ्ट में चीटिंग हुआ है, बट बात सिर्फ सेकंड शिफ्ट की नहीं है, अगर सेकंड शिफ्ट में हुआ है तो पहले में भी हुआ होगा, बाद में भी मेरे भाई हुआ होगा, तो इसी वजह से ये तो पूरा पेपर भाई ही कैंसिल करना चाहिए। आप बिहार के पिछले कुछ समय के पेपर को देखें, जितनी भी सरकारी भर्तियां हुई हैं शायद ही मुश्किल से कोई भर्ती एक बार में हो पाई है। जैसे अगर मानिए बिहार SSC की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे आज भी याद है कि 2014 में वो वैकेंसी आई थी जिसको खुद मैंने भरा था, उस समय मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, मैंने पूरा ग्रेजुएशन पास कर लिया, 2017 के लास्ट तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तब तक उस पेपर का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद 2018 में वो पेपर हुई तो मुझे इतना श्योर था कि वो पेपर लीक ही होगा, और फिर मेरे भाई पहले दिन वो पेपर लीक हो जाती है, और फिर 6 महीना के बाद फिर वापस वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराया जाता है, और दोबारा जब पेपर कंडक्ट हो रहा होता है तो उसमें भी काफी सारे सीट जो है वो पहले ही बिक गए होते हैं, और बड़ी मुश्किल से 10% या 20% जो सीट है वो जेन्युइन कैंडिडेट को दिया जाता है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार में कि यहाँ पर अगर कोई भी पेपर हो रहा होता है तो उसके सारे सीट जो है लगभग जो है पहले से बिक चुके होते हैं, और जो एक सफल उम्मीदवार है जो अपने दिल से जो काफी कड़ी मेहनत कर रहा होता है उसको वहां पर वो सीट मिलने की संभावना कम होती है। 12th में मैंने अपने सामने देखा है बच्चों को चीट करते हुए, ठीक है, जब मैं SSC का मेरा एक छोटा सा CHSL का टाइपिंग का टेस्ट था और मैं वहां गया तो टाइपिंग में भी मैंने नकल करते हुए देखा कि यहाँ पर किसी और के जगह पे किसी और को बिठाया गया, और पुलिस वाले जब बगल से उसको उठा के लेके गए तब मुझे पता चला कि कोई और कैंडिडेट मेरे बगल में बैठा हुआ है और वो किसी और का पेपर दे रहा है। मैंने आज तक दिल्ली में कई सारे पेपर दिए लेकिन आज तक कभी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला, लेकिन बिहार के एक सेंटर पे पहली बार ही मैंने फॉर्म भरा था और वहां पर मुझे ये देखने को मिला। मेरी बातों से हो सकता है सरकार को हाथ हो, मेरा कोई भी रीजन यहाँ पर आप लोगों को हाथ करने का नहीं है, मेरा कंसर्न तो बस आपको उन बच्चों के मेहनत पे ले जाना है कि आप ये समझिए कि आप ही के राज्य का बच्चा वो खेती भी करता है, वो ट्यूशन भी पढ़ाता है, वो साइकिल से मेरे भाई अपने ट्यूशन जाता है, पूरे दिन 6 महीने से साल भर वो डेडिकेशन से मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से कोई एक वैकेंसी आती है तो उसके मन में एक सपना दिखता है, एक होप दिखता है कि अब शायद मैं वो नौकरी निकाल पाऊंगा, अब शायद मैं अपने माँ बाप के स्तर को सुधार पाऊंगा, अब मैं अपने आप से उस बेरोजगारी के कलम को उठा पाऊंगा और मैं अपने आप को एक रोजगार व्यक्ति कहला पाऊंगा, एक कामयाब इंसान होते मैं अपने आप को देख पाऊंगा। उसके लिए वो सुबह उठते ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर देता है, जितने गेस्ट पेपर होते हैं वो सब पढ़ना शुरू कर देता है, एक छोटा सा कमरा लेके उसी में खाना बना के खा रहा है, उसी में पढ़ रहा है, दोस्तों के साथ वो सेट लगा रहा है, बड़ा हंसी खुशी वो सेंटर पे पेपर देने जाता है, और जब वो पेपर देने जाता है तो पता चलता है कि सबके पास आंसर की है, सिर्फ उसी के पास आंसर की नहीं है। पेपर देके जब वो निकलता है तो पता चलता है पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो गया है। बात यहाँ पेपर कैंसिल करने की भी नहीं है, आप एक बात को समझिए कि यहाँ पर एक पेपर देने जाते वक्त भी है ना, अगर 100 रुपए या 150 रुपए की ट्रेन की टिकट होती है ना, तो बच्चों के पास वो 100-150 रुपए भी नहीं होते कि वो ट्रेन की टिकट कटा के जाए, जनरल में लटकते किसी भी तरीके से जमीन पर बैठ के लेट के लोगों से रिक्वेस्ट करके कहीं पे वो सीट लेके जाते हैं अपना पेपर देने, उनका इतना समय बर्बाद होता है, उनका ऊर्जा बर्बाद होता है, उनका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद होता है, और फिर अपने ही पेपर के लिए उनको वापस एक धरना भी देना पड़ता है, लाठी खाने पड़ते हैं, गाली खाने पड़ते हैं पुलिस वालों के, घसीटा जाता है उनको सड़कों पे कि भैया फिर से पेपर हमारा करवा लो। मतलब या तो सरकार की मंशा ऐसी है कि ठीक है हम तुमको एक ही वैकेंसी के लिए 4 साल तक तड़पाएंगे, पहले तो हम पेपर का जुमला निकालेंगे, फिर हम पेपर लीक करवाएंगे, तुम परेशान हो जाना, फिर उसके बाद तुम मेरे पास रोते रहना, फिर पहले 1 साल तक तुम कैंपेन करना, रोना गाना, तब फिर से तुम्हारा हम पेपर करवाएंगे, और हम तुम पे इतना नहीं छोड़ देंगे, इतना नहीं छोड़ देंगे कि लास्ट में तुम बोल दोगे मालिक बस रिजल्ट दे दो यहाँ पे किसी भी तरीके से दे दो, ताकि वो 10-20% जो जेन्युइन बच्चा है उसका घर बच जाए, क्योंकि 80% सीट तो बिक रखा है। तो अगर यही स्तर रहा ना तो शायद नीतीश जी, मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हम इस तरीके से तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सरकार में रहना है बहुत अच्छी बात है, कभी आप BJP के साथ रहते हैं, कभी आप जो है वो
राजद के साथ आ जाते हैं। आप हर वक्त तो अपना फायदा, राजनीतिक फायदा देख रहे होते हैं, लेकिन उस राजनीतिक फायदे से हटके उन बच्चों का भी फायदा देखिए। ये युवा जो है आपके साथ हर वक्त रहा, 15 साल से आपको सरकार में बनाए रखा इन्होंने, ठीक है, आपके हर एक चीज को इन्होंने सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया इन्होंने आपको, लेकिन आप क्या सही कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार सही कर रही है इन बच्चों के साथ? आप एक बार मुड़कर उन बच्चों का स्ट्रगल देखिए, एक बार उनकी मेहनत देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने सिस्टम को सुधारें, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही है ना, हम सही शिक्षा का स्तर उन्हें नहीं दे रहे हैं, और अगर शुरू में ही बच्चा अगर सही तरीके से नहीं पढ़ेगा ना, तो आगे चल के उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि वो एक अनपढ़ लोगों में काउंट होगा। सिर्फ पढ़े लिखे से, साइन करने से कोई लिटरेट नहीं हो जाता है, उसके पास उसका सही ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, समाज में एक अच्छा इंसान बनना भी उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक 10वीं फेल को इंस्पेक्टर बना दे और मेरे भाई एक पढ़े लिखे इंसान को हम बेरोजगारी रहने देना, तो मेरा दावा है कि वो 10वीं फेल कभी भी उस पढ़े लिखे चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा, और ये बिहार में धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार और यहाँ पर क्रिमिनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी, ठीक है, और इस लेवल पर आ जाएगी कि आपकी सरकार वहां पर विफल हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। तो अनुरोध है मेरा कि इसके ऊपर एक तगड़ी कार्रवाई करिए, इस पर एक कमेटी बिठाइए, और जो भी यहाँ पर जो मामले के दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आगे से आप ये सुनिश्चित करें कि चाहे कोई भी सरकारी भर्ती हो या कोई और भी पेपर हो, तो उनके साथ ऐसा गलत ना हो। साथ में मेरा एक और सुझाव है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देखते हैं कि SSC हो गई, बैंकिंग हो गई और सभी परीक्षा हो गई, वो अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम में लेकर आ चुके हैं और सभी पेपर कंप्यूटर पर जो है वो आधारित हो चुके हैं कि कंप्यूटर पर हमें पेपर देना है, लेकिन अभी भी बिहार में जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे ओल्ड मॉडल पर है, OMR शीट पर है, जिनमें चीटिंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आप इसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं और यहाँ पर इस OMR सिस्टम को बंद करके आप इसको ऑनलाइन सिस्टम में लेकर आ सकते हैं, ठीक है, जहां पर ये आपके लिए काफी ज्यादा मतलब सही रहेगा, जहां पर चीट होने की संभावना कम होगी, पेपर के लीक होने की संभावना कम होगी। एक सही वेंडर का चयन किया जाए जो पेपर को सेट भी करे, पेपर को कंडक्ट भी करवाए जैसे TCS है, और उस तरीके से वो आपको रिपोर्ट दे। और बच्चों से मेरा अनुरोध है कि भाई देखो, आप लोगों के सपोर्ट में हम हैं, जो भी होगा वो करेंगे, अगर कैंपेन करना है किसी भी तरीके से, कोई भी बात है, तो आपके सपोर्ट में हम हैं। ये पेपर कैंसिल होना चाहिए और यहाँ पर बाकी सभी बच्चों का जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। आप लोग तैयारी करते रहिए, अपने आप को निराश मत फील करिए, इसके लिए जो भी संभव हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जताएं, और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें, हर एक बच्चे के पास शेयर करें, क्योंकि इसमें आपकी आवाज है, ये आपके लिए बात कही गई है, आपके हक में बात कही गई है, तो इसका उठना बहुत जरूरी है। आप अलग अलग सरकार के ऑफिशियल्स को इसमें टैग करिए, क्योंकि जब तक हम इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, जब तक ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिस्टम सो रही थी, सिस्टम सोते रहेगी, किसी एक ने आवाज उठाया था और फिर वो मेरे भाई यूं दब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी बात को दूर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये अगर आवाज उठाई गई है तो आपके लिए उठाई गई है, तो इसको दूर दूर तक पहुंचाइए और लोगों को टैग करिए, लोगों को शेयर करिए, और सिस्टम को इस बात को बदलने पे मजबूर करिए, ठीक है। बाकी मेरी बात से कहीं भी सहमत हो तो कमेंट करो जरूर करिएगा, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद।